हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो चलिए यार, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, अर्थक्वेटिक प्रोग्रेशन। इसका अगला पार्ट है, दैट मीन्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इसके पहले हमने 5.1, 5.2 ये सब फिनिश किया। 5.2 का मतलब 6 तक फिनिश किया था। आज के डेट में हम लोग क्या करेंगे, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं काउंट डाउन? तो चलिए, तो हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलिए बिल्कुल जोश होश और लगन के साथ स्टार्ट करें, ताकि आने वाला एग्जाम जो है हम उसको बिल्कुल क्रैक कर पाए। अंडरस्टैंड? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज क्या है भाई? एक्सरसाइज अपना वही है 5.2, और क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 7। क्या है? 7। तो चलिए स्टार्ट करें। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन की 13th टर्म फाइंड आउट। फाइंड आउट द 13th टर्म, 31th टर्म, दैट इज A31 वी हैव टू फाइंड आउट। हमें क्या निकाला, A31 जिसका हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म कितना है? 38 है। एंड 16th टर्म कितना है? 73। ओके, then what is given? It is given that 11th term is 38 and 16th term is 73. दो चीजें गिवन है हमारे पास कि 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है, तो भाई 31वां टर्म निकालिए। ठीक है, काउंट डाउन बिल्कुल ईजी है, जो ये होने वाला है बिल्कुल क्या है, ईजी है, बशर्ते आपको आना चाहिए। तो चलिए A31, इससे हम लोग क्या निकालेंगे भाई, इससे हम लोग निकालेंगे क्या, a प्लस टेन डी इज इक्वल टू 38। इक्वेशन वन इससे भी हमारा निकल जाएगा ऐसा, तो क्या आएगा, a प्लस 15 डी बराबर 73। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा तो हम लोग कर ही चुके हैं, क्योंकि ऐसा यूं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मुला होता है हमारा। तो n माइनस वन यानी a 16 है, तो n माइनस वन करेंगे तो 16 माइनस वन कितना आएगा, 15 आ जाएगा ना। इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एज लीनियर इक्वेशन करेंगे सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये माइनस 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 कट गया, 15 में से 10 गया माइनस 5d, और ये भी माइनस में आएगा, 73 में से 38 गया, तो घटा दीजिए आप 73 माइनस 38, तेरे में से 8 गया 5, बचा यहाँ पे 6, 6 में से गया 3, 35, कितना आया माइनस 35। माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, देन डी विल बी इक्वल टू 7। क्लियर है? तो डी हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ओके, डी की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 7। अब हमें क्या निकलना है, ए, क्योंकि जब तक ए और डी पता नहीं होगा तब तक आप A31 यानी कोई भी चीज आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो फाइंड आउट ए फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से देखेंगे। इक्वेशन 1 से हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38। क्लियर है ना? तो a प्लस कितना, 70 इज इक्वल टू 38। 70 इधर जाएगा राइट साइड में, देन बिकम्स नेगेटिव, देन वी गेट 38 माइनस 7। ठीक है, तो 38 माइनस 70 कीजिए, मतलब 70 माइनस 38 कीजिए, 10 माइनस 8 2 यहाँ बचेगा, 6 6 माइनस 3 माइनस 32 आएगा, कितना आएगा माइनस 32। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ए 31 फाइंड आउट इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ए और डी आ गया। इस पूरे चैप्टर में सबका खेल किसका खेल है भाई, पूरा पूरा का पूरा ए और डी का खेल है। A और D फाइंड आउट हो गया, देन यू आर एबल टू फाइंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? क्लियर है? देयरफॉर A31 जो कि हमें निकालना है, क्या आएगा, A प्लस 30 डी, A की वैल्यू कितनी है माइनस 32, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, देन माइनस 32 प्लस 7 इज 21, दैट मींस 210। 210 में से 31 माइनस कर दो, 10 में से 2 हो गया 8, बचा यहाँ पे फिर से 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 178, कितना आएगा हमारा आंसर 178। यानी कि क्या, देयरफॉर 31st टर्म विल बी 178,
किसका लेकिन? ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी का 31st टर्म क्या हो जाएगा? 178। कितना आसान है, बस खाली हमें क्या करना है, चलते चलना है, चलते चलना है, रास्ते में जो रोड़ा आएगा उसको हटाते चलना है, हटाते चलना है, हटाते चलना है, और सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ठीक है, हमें घबराना नहीं कि कैसे होगा, हमें एक एक स्टेप आगे चलते चलना है, चलते चलना है। फिर कहीं पे रुक गए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर कहीं एग्जाम्पल वगैरह देख लो, कहीं कुछ मेरा खुद का किया हुआ सोल्यूशन देख लो, या किसी का भी किया हुआ सोल्यूशन देख लो, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर कहीं कुछ दिक्कत हुआ फिर एक सोल्यूशन देख लो, फिर आगे चलो, फिर एक सोल्यूशन देख लो, फिर आगे चलो, ऐसे करते चलना है, सोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसे लिख दो, जो पता करना है उसे लिख दो, उसके बाद सोचो कि कैसे लाएंगे, जो दिया है उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो लाना है उसको कैसे लाएंगे, ये हमें सोचना होता है किसी भी समय। मैथमेटिक्स के किसी भी समय पहला रूल क्या है? गिवेन को लिखना और फिर जो फाइंड करना है उसे लिखना, और दोनों को क्या करना, दोनों को मैच करना, क्या दिया है उससे कि हम क्या निकाल सकते हैं और क्या निकालना है उसके लिए क्या हमें चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास है एट्थ सम, ठीक है, व्हाट इज द एट्थ सम की इन एन एपी देर आर एन टर्म्स, 50 टर्म्स, किसी भी एपी में एन टर्म्स है, 50 टर्म्स है, देन एन विल बी इक्वल टू 50। आप बुक से देखते रहिए। ओके, तो क्वेश्चन में तीसरा टर्म दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13 टर्म नहीं, तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म 12 है, दैट मींस तो इससे क्या हमारा निकलेगा, ए प्लस 2d बराबर 12, और ए 50 बराबर 106, 50 क्यों, क्योंकि n में 50 है, तो n की जगह 50 रख देंगे, तो ए प्लस 49d कितना आएगा आपका, ए प्लस 49d कितना आएगा आपका 106। क्वेश्चन नंबर टू माइनस कर दीजिए आप, कट गया 49 में से 2 हो गया 47d, है ना, और 106 में से 2 हो गया, अभी हमने 94 लाया था, अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 2, डी जुल कितना आया, 2 आया हमारे पास। ओके, नाउ वी गेट 2, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अब आप देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग चलेंगे, तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 है बराबर 12 है, तो ए प्लस 2 का 4 बराबर 12 आया, ए जुल कितना आया 12 माइनस 4, दैट मीन्स ए जुल कितना आया 8, अब ए आ गया डी आ गया, देन वी कैन, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द A29, देयरफॉर वी गेट A29 इज इक्वल ए प्लस 28d, ए की वैल्यू 8 है, प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 28 टू जा 56 होता है, 56 प्लस 8 कितना हो गया 64, देयरफॉर 29th तब क्या होगा 64। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन होता है, अब कोई भी क्वेश्चन करते जाओगे आता ही जाएगा, इज इट क्लियर, क्लियर है, वो हमारा सम होता ही जाएगा, अंडरस्टैंड? अगला सम हम लोग करते हैं 2 करोड़ का है, कितने का अगला सम हमारा 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ का सम सॉल्व करने वाले हो आप लोग, तैयार है आप सभी, चलिए चलते हैं। 9th वाला सम हमारे पास है, ठीक है, क्या लिखा है कि थर्ड एंड 9th टर्म रेस्पेक्टिवली कितने, 4 एंड -8, थर्ड कितना A3, A3 हमारे पास कितना है 4, एंड ऑल्सो गिवन एट A9 हमारे पास कितना है -8। ओके, तो इसका कौन सा टर्म्स 0 होगा, लेट nth टर्म विल बी 0, दैट मींस an विल बी 0, हमने लेट कर लिया, पूछा क्या गया है कौन सा टर्म 0 होने वाला है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हिच टर्म विल बी 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट an इज इक्वल टू 0, देन इट इज गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द n, हमें क्या पता करना है, एन भी पता करना है, अब ये दिया है, ये दिया, पूछा है कौन सा टर्म 0 होने वाला, तो हमने an को 0 ले लिया, कौन सा टर्म 0 होने वाला, एन तो टर्म 0 होने वाला, एन बराबर हमें निकालना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखिए A3 बराबर 4 है, दैट मींस A प्लस 2D कितना आएगा 4 आएगा, ये A9 बराबर -8 है, तो A प्लस 8D बराबर -8 आएगा, दोनों को हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन तो राइट है ना, ओके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे माइनस है प्लस कर देंगे, 8 में से 2 हो गया -6D और चल 12, देन डी विल बी इक्वल टू हाउ मच -2, ओके डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अब ये हम लोग कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में रखने वाले हैं,
क्वेश्चन वन में रखेंगे तो ए प्लस टू टू इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू इज इक्वल फोर आ गया, टू टू जो फोर प्लस इंटू माइनस माइनस, देन ए विल बी इक्वल टू फोर प्लस फोर, दैट मीन्स फोर प्लस फोर हाउ मच वी गेट एट, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट एन, सो वी स्टार्ट फ्रॉम ए एन इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एन बराबर जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा एन की वैल्यू हमारी आ सकती है, ये एन इसलिए दिया गया है ताकि आप एन फाइंड आउट कर सको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एट प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है माइनस टू बराबर जीरो, ओके, देन माइनस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टू फोर एट, देन एन माइनस वन इज इक्वल टू फोर आया, एन कितना आ जाएगा वन इधर गया प्लस हुआ तो फोर प्लस वन कितना आ जाएगा फाइव, ओके, दिस इज द नॉन स्टॉप सॉल्यूशन। हमें करते चलना है, करते चलना आंसर हमारा आता जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, फाइव आ गया। आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो पूरा पूरा आपको समझ में फिर से आ जाएगा, ओके तो चलिए हम लोग आगे वाला सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, हो गया हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर टेन। इसमें क्या दिया गया, सेवनटीन्थ टर्म, वो टेंथ टर्म से सेवन एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब क्या होता है ज्यादा। अब यहाँ पे छोटा कौन है हमारा, टेंथ टर्म है, और बड़ा कौन है, सेवनटीन्थ टर्म, तो साथ हम लोग किसमें ऐड करने वाले हैं, टेंथ टर्म में, तो कैसे होगा सोल्यूशन इसका, ए सेवनटीन इज इक्वल टू ए टेन प्लस सेवन। सेवनटीन्थ टर्म क्या है, टेंथ टर्म से सेवन ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा किसमें करेंगे, टेंथ वाले में करेंगे, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी कम है, इसे दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंथ वाले टर्म में सेवन को ऐड करना होगा, ओके आगे देखिए, ए सेवनटीन कितना आएगा, ए सेवनटीन हमारा है ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू एटीन इज ए प्लस नाइन डी प्लस सेवन, ओके सारी वाली पुट हो गई, ए विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड एंड नाइन विल बी गोज टू लेफ्ट साइड, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 हाउ मच 7d इज इक्वल टू 7, 7 7 कैंसिल आउट देन d विल बी इक्वल टू 1। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें बस दिया गया, ओके सो दैट विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट सम हम लोग करने वाले हैं 11, इलेवेंथ में ये देख गया है कि कोई एपी है जिसका 54th टर्म 132 है। एपी क्या है हमारे पास, एपी हमारे पास 3, 15, 27, 39। विच टर्म इज 130 मोर देन 54th टर्म, सपोज लेट nth टर्म, हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा वाला टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो हमने मान लिया क्या nth टर्म हमारा क्या होगा, वो 54th टर्म से 132 मोर होगा, दैट मीन्स क्या हम लोग लिखेंगे a n इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132, क्योंकि ऑलरेडी हमारा nth टर्म क्या है ज्यादा ही है, हम लोग क्या करेंगे 54th टर्म वाले में 134 क्या करेंगे 132 क्या करेंगे प्लस करने वाले हैं, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड ए 54 ए प्लस 53 डी प्लस 132, ए विल बी कैंसिल आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी हमारा कितना आएगा 12, ए टू माइनस सेवन दैट मीन्स 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, सो पुट वैल्यू ऑफ डी 12, 53 इंटू 12 प्लस 132, 12 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो तो 12 थ्री सा 36 कैरी थ्री, ओके 12 फाइव 60, 60 प्लस 3
63, दैट मीन्स 636 प्लस 132, ओके 12 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 1 7। अभी ये क्या होगा, 12 हमारा नीचे जाएगा या फिर डायरेक्टली कट कर दो आप इसको, या तो नीचे लेके जाके कट करो या फिर डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो 12 6 जा 72, नीचे कितना बचेगा 4, 4 और 8 12 4 जा 48, तो कितना हमारा आया 64, दैट मींस n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट मींस 65, ओके। तो इस तरह से जाके हमारा सॉल्यूशन होता है।